ड्राइव कर रहे हैं, मैं बीच में बैठा हूँ। आईफोन की क्वालिटी अलग से। तो गाइज आपको देखने को मिलते हैं ना, मतलब ऐसी एरिया अलग, मतलब यहाँ पे अंदर होती है, कोई पहाड़ से ट्रेन निकले तो ग्रीन टी है। तो गाइज ये देखो बनास की नदी चंबल घाट से निकल गया, जो आज की है पहाड़ से एरिया, मतलब अगर पानी शुद्ध होता खाते ना खाते। तो ये पहाड़ अगर पानी होता तो नहाते रहे, वैसे ही पाऊ जी नहा रहे अंदर है। और ये देखो बजरी माँ की जो बजरी निकलती है, बजरी निकल रही है यहाँ से, लोडेड हो रही है ट्रक ट्रैक्टर वगैरह। ये दिखा रही दिखा रही इसको दिखा। और ये देखो पूरा नदी है जो पूरा कितनी दूर तक है सामने पहाड़ तक पूरा वेदर। जो यहाँ पे ये कुछ मछली पकड़ने वाले हैं, मछली पकड़ रहे हैं ना, पानी साफ है बिल्कुल, रोक लो रोक मछली पकड़ने वाले, देखते हैं पूरा क्लीन है पानी तो ना पूरा पूरा। और तो सारे मछली पकड़ते हैं यहाँ पे, जाल वगैरह डाल रखे हैं। उधर बजरी की हो रही है, ये बजरी निकलती है सरेआम चल रहा है, मतलब बजरी ब्लैक में निकल रही है, सारी बजरी ब्लैक में सरेआम चल रहा है, जितना चल रहा है पुलिस में दम नहीं है बिल्कुल ना, वाइट बजरी जो बोलते हैं। तीन तीन चार चार ट्रैक्टर है, चलो चलो अपना। तो गाइस अभी मैं लेके जा रहा हूँ ट्रैक्टर, जिस काम के लिए आया था वो। गाइस कितनी ज़्यादा बारिश, देखो सड़क कैसे पानी ट्रांसफर हो रहा है। और ये अपना कंप्यूटर खराब है, इसे लेके जाएंगे हम जयपुर से घर पे। आपका भाई चला रहा है ट्रैक्टर, साथ में कोई नहीं है, ओनली अकेला हूँ। और सामने गाइड करने वाले एक भैया है, नाना जी है, मेरे सगे नाना नहीं, वो यहाँ पे टोंक वाले, वो सगे नाना जी पहले घर पे चले गए और मैं अकेला जा रहा हूँ। सारा रूट ट्रैक्टर पे होगा, वो ब्लॉग को पूरा पूरा देखना, उसका थंबनेल और टाइटल यही होगा ट्रैक्टर पे या फिर जो राइड, पूरी राइड देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो गाइस ये लोग कितनी खूबसूरत जगह है, आस पास जो पहाड़ है बड़े बड़े मौके का वो पहाड़ है, और ये लोग कितना सुंदर रास्ता चल लेते हैं पहले। अभी मैंने 10 किलोमीटर चला हूँ, 50 किलोमीटर जाना है, कहाँ पर आए थे टोंक से आगे आए थे, ट्रैक्टर जहाँ पे रुका था हमारा टोंक से आगे वहाँ पे आए थे हम। तो गाइस यहाँ पे एक ही फसल बोते हैं, वो है सरसों। सरसों नहीं बोया इन्होंने, बस वो सड़कों के किनारे हरियाली हरियाली, वाह क्या वेदर है गाइस, ये करता है यहाँ पर रहते हैं, आते हैं बड़े आके खाएंगे क्या, यहाँ पे सर का गला कुछ होता ही नहीं है। चलो ठीक है। तो गाइस अभी हम रुके हैं यहाँ पे, मतलब नदी है, इस पर क्या लिखा है, पुलिया पे 6 इंच से ज़्यादा पानी का बहाव ना पार, पुलिया पार ना करें, मतलब कि पानी की धार 6 इंच हो तब पुलिया को पार ना करें। नदी है पूरी, आप पहले भी देखा बजरी माखे वाला, वो बहुत सुंदर नज़ारा है। इधर भी देखो क्या वेदर हो रहा है, ये अपना ट्रैक्टर खड़ा और कोई नहीं है, थोड़ी देर रुका हूँ मैं। और
यहाँ कंप्यूटर करावा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा पेशाब करने के लिए रुका था तो लोग थोड़ा बहुत पूछने लगे, वो बता रहा था, और अभी पेशाब कर लिया, अब निकलूँगा, मतलब सुसु करना था बच्चों की ऐसा बोलूँ तो। और थोड़ा बहुत नदी दिखा देता हूँ आपको, ये रही नदी, ये देखो कितना पानी है इधर से इधर तक, इधर इधर बांध बन रहा है अभी नया, पहला नहीं होता था, पहले एक बांध था, अभी दो तीन बन रहे हैं। कड़क के बेचा बहुत सामान बेचना है, मतलब चना ही आंगन है, लहसुन ही आंगन है, प्याजी आंगन है, फॉर्चून का सारा सामान लेके घूम रहे हैं ये गाइस। और ये देखो पहाड़ी, ऐसे ये पहाड़ी है, मतलब नीचे ज़मीन है जिसमें पहाड़ी, उस पर घास उगा है पूरा, इसमें पत्थर ही पत्थर है, घास उगा, तो क्या वेदर आ रहा है गाइस, क्या वेदर, देख लो गाइस क्या वेदर आ रहा है, मतलब बहुत मस्त है ना, मेरे को ही लग रहा है क्या इलाज है, अगर कोई लड़का साथ में आता तो फोटोज़ क्लिक करते यहाँ पे, अभी कोई है ही नहीं फोटोज़, किस पे क्लिक करें, सेल्फी बताइए लगा लो। तो गाइस जो भी यहाँ पे मतलब खड़े हैं वो सारे फिशिंग करने के लिए हैं, मतलब मछलियाँ पकड़ने के लिए, मुसलमानों का गाँव है, मछली खाते हैं हमारे, तो फिशिंग करने के लिए सभी आए हैं, घूमने से मछली कर रहा था, मछली मार दिया, तो ये भाई सारे भाई फिशिंग कर रहे हैं अपने अपने लेवल की, ये देखो अपने अपने लेवल के सारे भाई फिशिंग कर रहे हैं, कोई नहा रहा है, कोई किस पकड़ रहा है, कोई छो रहा है, उधर देखो टीम खड़ी है पूरी, मतलब करने दो यार, अपन को क्या देता है, चलो ठीक है, मैं इस तरह नदी से निकलता हूँ, फिर नदी है पूरी चल चुकी है, फिर बांध रहे तो आगे छू है, मैं फोन को डालता हूँ अंदर, आपका भाई। तो भाई जब मैं आता हूँ सिवाड़, सामने सिवाड़ दिया जा रहा है, वो उनको सिवाड़ का गढ़, और धीरे धीरे यार पहाड़ी इधर भी है, अकेला ही हो अभी भी, आपका भाई देखो नाना और बहुत पहले चले गए, अभी कोई रास्ता नहीं दिखला रहा, मेरे को पता है कहाँ पे जाना है, इधर टाँग इधर है कोटा का खेड़ा, तो उधर जाना है मेरे को, मेरे को पता है इधर आना है, इस पहाड़ी के दिखे, इस पहाड़ी के पास आना है, ये सामने पहाड़ी दिख रही है ना, क्या कर जाता हूँ, इस पहाड़ी के बिल्कुल पास में आना है, तो इधर एक पहाड़ी की है, ट्रेन तो निकल गई गाइस फुल स्पीड में थी, अपन चलते हैं यहाँ से सीधा, हाँ थोड़ा सा आगे करके रोकूँ वहाँ ट्रैक्टर, चलो ठीक है गाइस। तो गाइस देख लो अभी मैं नाना का वेट कर रहा था, नाना और आगे पर अभी स्टेशन इधर कर दिया, गाड़ी का वेट चल रहा है, गाड़ी आ रही है इधर से, देख लो इधर हो गई।
और शिवाड़ का वेदर देखो गाइस कितनी लंबी है मतलब वो सिर्फ का मंदिर से देखो कितना माहौल क्रिएट हो रहा है मतलब ये देखो काफी गाड़ियां आ गई है आगे निकल रहे हैं ये देखो गाइस बहुत बढ़िया वेदर और आगे जाके दिखाता हूं आपको रोक के गए हूं गाइस ये कितना मजेदार व्यू ठीक है शिवाड़ का